है तुझे, शाम के वक्त आया मत का पीपल के झाड़ के पास, पर तू की सुनती नहीं। जब कोई डायना के चिपकेगी ना, तब समझ आएगा तुझे। चल यहाँ से। माँ दर्द हो रहा है, छोड़ो ना। क्या दर्द हो रहा है? अम्मा की बच्ची, चल यहाँ से। हमारे गांव में एक पीपल का पेड़ था, कहते हैं कि वहाँ डायन का वास था। हम बच्चे दिन में भी उस पेड़ के पास भटकते भी नहीं थे, पर मेरी चचेरी बहन आयशा, वो तो शहर में पली बड़ी थी, उसे तो इन बातों पे विश्वास ही नहीं था। 3 साल पहले की बात, वो अमेरिका से मुंबई लौटी ही थी और मेरे चाचा चाची के साथ हमसे हमारे गांव मिलने आ रही थी। हम दोनों एक दूसरे से मिलके बहुत खुश थे। खबर सुन के बहुत खुश हो गई भाभी, बहुत इंतजार कर रही। इतने साल बाद आपको देख के ना भैया, इतनी खुशी हो रही ना, पूछिए मत। अपनों की अहमियत क्या होती है, ये दूर जाकर ही पता चलता है। लेकिन भैया, राज आपके साथ नहीं आया? राज ने अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया है ना, तो छुट्टी नहीं मिली, 3-4 दिन में आ ही जाएगा। चलो भैया, चाय वाय पीते हैं। चलिए भैया, चाय वाय। पहले से हमने सिर्फ इंटरनेट पे चैट किया है, आज तुम्हें सामने देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें भी अच्छा लग रहा है ना? हाँ दीदी, बहुत मजा आ रहा है। ए, तुम यहाँ खड़ी हो जा। हाँ बस बस, थोड़ा थोड़ा। हाँ। ऐसे करूँ? बस परफेक्ट। देखो कितनी सुंदर आई है। अरे वाह दीदी, आपको पेड़ पौधों की तस्वीर लेना बहुत पसंद है ना? मैं आपको ऐसी ऐसी जगह लेके जाऊंगी ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। लेके जाऊंगी क्या होता है, अभी चलो। अभी? हाँ अभी चलो। चलो, वैसे भी मैंने सोशल साइट पे कितने दिनों से कुछ भी पोस्ट नहीं किया है। यार रामाकांत, सब कुछ वैसा ही है। अरे कुछ नहीं। अम्मा, हम दीदी को घुमा कर लेकर आते हैं। अरे इतने लंबे सफर से आई हो बिटिया, थोड़ा आराम तो कर लो पहले। चाची, मैं यहाँ आराम करने थोड़ी ना आई हूँ। अच्छा सुन, अंधेरा होने से पहले वापस लौट आना, और ये गाँव है शहर नहीं, यहाँ काफी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। और रानी, संभाल कर लेके जाना ऐसा को। हाँ माँ, ठीक है, चले। बाय मम्मा। बाय पापा। हमारी मम्मा भी ना बड़े हल्के दिखती हैं, पता है। आपको मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। I mean, सब कितना ब्यूटीफुल है यहाँ, हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ देखने ही नहीं मिलता। दीदी कैसे खींचते हैं मुझे भी बताओ ना एक बार। देखो ये बटन है, इसमें से देखते हैं और जो भी दिखता है उसका पिक्चर क्लिक करते हैं। ट्राई करो। हाँ दिख रहा है, मैं खींचो। हाँ मेरी खींचो, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पे खड़ी रहती हूँ। अच्छी लग रही हूँ? एक देखो, दीदी लगता है बारिश होने वाली है, अगर हम भीग गए ना तो अम्मा बहुत डांटेंगी। आप रुकिए, मैं छाता लेकर आती हूँ। हाँ लेकिन कहीं मत जाना, यहीं पर रहना, मैं 2 मिनट में आई, ठीक है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पीपल के पेड़ पे फ्लावर, ऐसे तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा, पर कितना प्रिटी फ्लावर है ये। Thank you.
है लड़की, दूर हो जा इस पेड़ से, हट जा इस पेड़ से, तुझे नहीं पता इस पेड़ डाइन का वास है। रात को तो दूर, यहाँ कोई दिन में भी नहीं भटकता। पर मैं तो बस ये फूल तोड़ रही थी। तूने कभी पीपल के पेड़ के ऊपर फूल खिलते हुए देखे? ये सब डाइन की चाल है, तेरे जैसी मासूम लड़कियों को फंसाने की चाल। मेरे फ्रेंड्स ना मुझे ही डाइन बोलते हैं, तो कोई डाइन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और बाबा आप ऐसे घुमा मत करो, मुझे तो आप ही भूत लग रहे हो, बच्चे देखेंगे तो डर जाएंगे ना। ये मूर्ख लड़की, तुझे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत भारी, समझे? सब पता है, डायन एंड ऑल, मैं इन सब में नहीं विश्वास करती। दीदी आपके विश्वास करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ पे बहस नहीं करनी है, रात हो रही है, घर चलो। एक मिनट, चलो। सी कितना प्रिटी फ्लावर है ना, कहाँ मिला आपको ये? दीदी आप सच में इतनी अच्छी फोटो खींच लेती हो? मतलब तुम्हें क्या लगता है मैं कैमरा हाथ में सिर्फ स्टाइल मारने के लिए लेके घूमती हूँ? इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। तुमने किसी की हंसी की आवाज सुनी क्या? हंसी नहीं तो अरे क्या दीदी, दीदी क्या हुआ? दीदी 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 कांप क्यों रही हो? दीदी 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 क्या हुआ? अम्मा अम्मा दीदी दीदी चाचा चाची कोई है? अम्मा बाबूजी दीदी तुम आके खोलो ना जल्दी आओ अम्मा। अबे आधे घंटे पहले तो सब ठीक था, अचानक इतना तेज बुखार कैसे? देखो ना बुखार कम नहीं हो रहा है, इतना कांप रही है। जी जी ये कोई साधारण बुखार नहीं है, आयशा पर बुरी नजर लगी है। बुरी नजर? रानी तूने आयशा को कहीं अकेला तो नहीं छोड़ा था ना? वो अम्मा बारिश होने वाली थी ना तो मैं छाता लेने घर आई थी, बस उतनी ही देर दीदी अकेली थी, मैं तुरंत वापस चली गई थी। अरे ये तो शहर की है, इसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तू तो जानती है, फिर क्यों अकेले छोड़ा आयशा को? अरे ये सब बेकार की बातें हैं, हवा पानी बदलने से बुखार आ गया होगा, डॉक्टर को दिखा दे फौरन। भाई साहब गांव है ये, अब बहुत रात हो चुकी है, डॉक्टर आपको सुबह ही मिलेगा। अरे सुनीता अपने पास मेडिकल किट है ना, उसमें बुखार की दवा होगी, वो ले आओ। हाँ, मैं ले आती हूँ। अरे ये लाइट को क्या हो गया? ये
लेकर ले बेटा आयशा। हे भगवान, बुखार तो 104 डिग्री है, इससे ज्यादा बुखार और नहीं बढ़ना चाहिए। मैं गीली पट्टी करती हूँ। रात भर से होश नहीं आया डॉक्टर साहब, और बुखार वो तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, इससे इन्हें आराम मिल जाएगा। बाद में इनका ब्लड सैंपल लैब में भेज देंगे, उससे क्लियर हो जाएगा कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। इसके ऊपर हम क्या करें, करना क्या है। मौली में एक बाबा जी है जो झाड़ फूक करते, उसी को बुलाना पड़ेगा। आई आई बाबा, आई आई। बाबा आ गए। बाबा ये ऐसा है, बच्ची पर कोई ऐसे वैसे भूत बसा है, इसकी हालत बहुत नाजुक है। जल्दी कुछ नहीं किया गया तो बात बिगड़ भी सकती है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, जो कोई भी बच्ची के साथ चिपटा हुआ है बहुत जल्द छोड़कर भाग जाएगा। बस आप लोग थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए।
बच्ची पर कोई ऐसे वैसे भूत का साया नहीं है। इसकी हालत बहुत नाजुक है। जल्दी कुछ नहीं किया गया तो बात बिगड़ भी सकती है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, जो कोई भी बच्ची के साथ चिपटा हुआ है बहुत जल्द छोड़कर भाग जाएगा। बस आप लोग थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये फूल यहां कैसे? मुझे कौन है तू? तूने मुझे नहीं पहचाना? वो पीपल की डायन को मिला। इन सारे गांव वालों से बदला लेना है मैं। बदला? कैसा बदला? जिस तरह इस गांव के 21 लोगों ने मुझे तड़पा कर मारा, उसी तरह मैं इस गांव के 21 लड़कियों को तड़पा कर मारूंगी। छोड़ दे लड़की को। इसकी वजह से तो मुझे मौका मिला है इन सबसे पंगा लेने का। मैं कह रहा हूँ छोड़ दे, वरना क्यों रोकेगा मुझे? कहाँ गई? लड़कियों की जान लेकर रहेगी। आयशा, आयशा बेटा, आयशा, दिखनी नहीं, आयशा, दीदी, आयशा, मेरी आयशा, जी 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 ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। आयशा, रमाकांत, वो बाबा क्या कह रहा था? और ये पीपल वाली डाइन का चक्कर क्या? भैया ये बहुत पुरानी बात है। गांव में कुछ लोगों का कहना है कि कई दशक पहले गांव में एक कोमिला नाम की औरत रहती थी जो जादू टोना करती थी। लोगों का कहना है कि पीपल के पेड़ में कोमिला की डायन वास करती है। इस अफवाह की वजह से लोग दिन में भी उस पेड़ के आसपास नहीं भटकते। आयशा का पूरा शरीर पीला पड़ रहा है। हाँ देखो ना इसे कुछ। आयशा, आयशा। रमाकांत। दीदी, आयशा।
अब कैसी बातें कर रहे डैड? भूत, चुड़ैल, डायन, ये कैसी बातों में विश्वास करने लगे हैं आप? प्लीज डैड, सच सच बताइए, क्या हुआ था ईशा को? देखो राज, हमारा यकीन करो, हमने जो कुछ कहा है वही सच है। अगर हमने अपनी आंखों से ये सब कुछ नहीं देखा होता तो हमें भी ये झूठ ही लगता। दिमाग खराब हो गया आप सबका, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप यार? माँ आप अब सामान पैक कीजिए, आप मेरे साथ चल रही हैं, प्लीज। देखो राज, समझने की कोशिश करो, हम आयशा की तेरी पूरी हुए बिना कहीं नहीं जा सकते। बेटा हमें पता है तुम्हारे मन में क्या बातें चल रही है, लेकिन इस समय माँ पापा को तुम्हारी बहुत जरूरत है। भले इनकी बातों पे तुम्हें यकीन ना करो, लेकिन कुछ दिन उनके साथ यहाँ रुक जाओ तो उन्हें अच्छा लगेगा। मैंने आयशा को देखा, वो यही थी माँ, उसने मेरा नाम पुकारा था माँ। मैं बेटा ये क्या कह रहे हो? भैया मुझे बचा लो भैया। आप ही बताइए, मैं खुली आंखों के साथ सपना कैसे देख सकता हूँ? माँ वो यही थी, आपको मेरी आयशा। बेटा ये गांव है, यहाँ अक्सर ऐसी बातें होती है जो हमने पहले कभी सुनी ही ना। नहीं वो यहाँ थी, मैंने। चल बेटा पीछे चल। सच है, रानी के साथ वही हो रहा है जो आयशा के साथ हुआ था। अगर इससे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं आपको संभालू मंजू,
कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को। वो बाबा भी कुछ नहीं कर पाए थे। उस डैड ने बोला था कि वो 21 लड़कियों को साथ में लेके जाएगी। कहीं वो हमारी रानी को लेके गई था। ऐसी बातें मत सोचो मंजू। ये सही बोल रही है, क्योंकि जो कुछ भी उस डायन ने कहा था वो सब सच हो रहा है। गांव के हर कोने से एक ही खबर आ रही, रानी को गिनकर 21 साल से कम उम्र की लगभग 20 ऐसी अविवाहित लड़कियां हैं जिन पर कल रात उस डायन ने हमला किया, और उसे भी बुखार से कांप रही है, तड़प रही है। अच्छा एक बात बताओ, आयशा के मरने से पहले उस डैन ने क्या चेतावनी दी थी? चिंता, उस डैन ने बताया था कि वो 21 लड़कियों को अपने साथ लेके जाएंगी। आखिर उस डैन को क्या मिलेगा इतनी सारी मासूमों की जान लेकर? क्या कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके? एक इंसान है जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। कौन? अरे वो अघोरी जो जंगल में रहता है, अभी कुछ ही दिन पहले तो गांव में आया था। तो ठीक है ना, मुझे बताओ अघोरी कहाँ है, मैं ढूंढूंगा उसे। कहाँ मिलेगा वो? वो जंगल में साधना करता है, बहुत कम गांव में आता जाता है। आप एक काम कीजिए, आप इनके साथ जाइए और गांव के कुछ और लड़कों को लेकर इन अघोरी तक पहुंचाइए। जी। नहीं राज, नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं आयशा को खो चुकी हूँ, तुम्हें कुछ हो गया तो। मॉम, वहां पर 20 मासूम लड़कियों की जिंदगी खतरे में, और अगर मेरे वहां जाने से उनमें से एक की भी जान बच सकती है ना, तो मैं तैयार हूं। वो सब भी तो मेरे बहन जैसी है ना। लेकिन बेटा। लेकिन क्या मॉम, यहाँ पर रानी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है, और अगर उस अघोरी के पास जाने से रानी की जान बच सकती है तो मैं जाऊंगा। मॉम तो जाएगा जो गया। मॉम प्लीज। सुनीता, राज सही कह रहा है, जाने दो इसे। अरे हमें इस वक्त नहीं निकलना चाहिए था, कल सुबह तक इंतजार जरूर करना चाहिए था। ये सही कह रहे हैं, हमें नहीं निकलना चाहिए था, हम सब मारे जाएंगे। सुनो सुनो, कल सुबह तक बहुत देर हो जाएगी, हमारे पास आज रात का ही वक्त हमारी बहनों को बचाने का। तुम लोग डरो मत, वो टाइम यही चाहती है कि हम डर जाए, अपने मकसद से भटक जाए और किसी भी हालत में उस अघोरी तक ना पहुंचे, मगर हमें वहां पहुंचना ही है। अरे लेकिन साथ में रहेंगे, कुछ नहीं होगा। चलो चलो, कुछ नहीं होगा, चलो। मैंने तुम्हारी बहन को चेतावनी दी थी उस दिन, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, और अब देखो घट गई दुर्घटना उसके साथ। बाबा, क्या आप उस डायन के बारे में कुछ भी जानते हैं?
कुछ दशक पहले इस गांव में कोमिला नाम की औरत रहा करती थी, जो खुद को जवान रखने के लिए काला जादू किया करती थी, और वो 21 साल से कम उम्र की लड़कियों पे अपने काले जादू का प्रयोग करती थी और उनकी बलि देकर उनकी आत्मा की शक्तियों से खुद को जवान रखती थी। दिन गांव वालों को सब पता चल गया। और सभी ने कोमिला को उसी के घर के पास के पीपल के पेड़ से लटकाकर पीट पीट कर उसे वहां मार दिया और उसके बाद उसकी लाश को वहीं पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। कहा जाता है कोमिला के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार ना होने पर उसकी शक्तियों की वजह से वो डायन बन गई और तभी से वो पीपल के पेड़ पर रहने लगी। लेकिन इतने सालों बाद वो लोगों पर हमला क्यों कर रही है? तुम्हारी बहन की नादानी की वजह से। अनजाने में तुम्हारी बहन ने पीपल के पेड़ से फूल तोड़कर उस डायन को मुक्त कर दिया था और उसके बाद से ही वो गांव वालों पर कहर ढा रही है। लेकिन वो डायन चाहती क्या है? 21 कुंवारी लड़कियों की बलि, ताकि वो अपनी शक्तियां दोबारा हासिल कर सके और गांव वालों से अपनी मौत का बदला ले सके। तो क्या उस डायन के कहर से बचने का कोई तरीका नहीं है? उस पीपल के पेड़ के नीचे उस डायन का कंकाल होगा, हमें उसे बाहर निकाल कर जलाना होगा ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। हमारे पास समय बहुत कम है, सूर्य उदय होने से पहले हमें यह कार्य करना होगा ताकि हम 20 कुंवारी लड़कियों की जान बचा सके। चलो जल्दी चलो। पिछली बार तो मैं सिर्फ एक इंसान थी, इसीलिए तुम सबने मुझ पे काबू पा लिया, लेकिन इस बार तुम्हारा सामना एक डायन से हो रहा है। सबको एक एक दे दे, इसमें मैंने अपने मंत्रों की शक्तियां भर दी है। अगर डायन तुम पे हमला करेगी तो ये तुम्हारी सुरक्षा करेगी। मतलब डायन हम पर यहां भी हमला कर सकती है? घबराओ मत, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कुछ नहीं होने दूंगा। बांट दो। जल्दी जाओ और खुदाई शुरू करो, हमारे पास समय नहीं है।
हमें किसी भी कीमत से कंकाल को ढूंढना है। ढूंढो, डरो मत, जल्दी खोदो, ढूंढो उस कंकाल को। हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा ले, राज की मदद कर, उस डान का सामना करने की हिम्मत दे उसे। हे भगवान, डरो मत, मैंने जो तुम्हें सुरक्षा हड्डियां दी है उसका प्रयोग करो, बचाओ, हमला करो, हमला। राज, तू जाकर खुदाई कर, मैं देखता हूं उसको। डाइन कहां गई? सामने आ। ठीक तो है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। माँ, रानी, भाभी, रानी को होश आ गया है। रानी, मेरी बच्ची रानी, रानी, रानी के पापा, रानी को होश आ गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। इस तरह उस दिन मेरे भैया ने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि उन लड़कियों की भी जान बचाई जो उस डायन का शिकार हुई थी। 3 साल हो गए इस घटना को, पर मैं उसे कभी नहीं भुला सकती, क्योंकि उस डायन के हाथों मैंने अपनी दीदी को खोया था।
आप सभी से मेरी एक विनती है कि आप कभी भी अपने गांव की तरफ जाएं और वहां किसी पीपल के पेड़ में किसी डायन, किसी भूत या प्रेत के बारे में सुने तो सतर्क हो जाएं और उसे गंभीरता से लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाए, क्योंकि उस डायन के हाथों मैंने अपनी बहन को खोया था।